हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी समय से 3-4 महीने से हम लोग नेवी पीपल के कांटेक्ट में हैं, उनके हेडक्वार्टर्स के भी कांटेक्ट में हैं, फिर हमारे पहचान में जो ओल्ड मेल से हम लोगों ने पता किया, मतलब अगस्त से हम चेस कर रहे हैं कि हमें यहाँ आना है, क्योंकि बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलता है और इंडियन आर्मी नेवी, मतलब दे विल लव टू लर्न फ्रॉम दैट एंड अदर देन दैट दे विल गेट इंस्पिरेशन कि भाई वो इंडियन आर्मी नेवी एटलीस्ट इसमें से अगर एक बच्चा भी जाता है तो हम सक्सेस हो जाते हैं। यहाँ पे आपने बहुत कुछ चीज़ें देखी है, तो क्या कुछ अगर फील, क्योंकि हालांकि हम टीवी पे देखते हैं, सुनते हैं, यहाँ पे आपको सामने देखने मिला है, तो कहीं ना कहीं अलग फीलिंग्स हुई। या डेफिनेटली वी आर प्राउड ऑफ अवर कंट्री। बच्चे तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनको एक प्रैक्टिकली करने के लिए भी मिला, जो भी आमस थे उनको भी, उनको वहाँ पे टच करके फील करके उसके नॉलेज गैदर करके उनको ज्यादा एक्साइटमेंट मिला है। प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो ज्यादा मजा आता है। इंडियन नेवी का पावर देखने के लिए तो सब बच्चे एक्साइटेड थे, बस ज्यादा पावर हमने देखा वो इक्विपमेंट हम लोग ने जब अपने हाथ में लिए, दिखता है वो कितना पावर होता है इंडियन नेवी का, वो हाथ में वो कितना हैवी मटेरियल्स वो लोग कैरी करते हैं, शोल्डर के इतनी फाइटिंग्स, इतना सारा ये जो पूरा है जो हम लोग के लिए इतना सेटअप किया गया। आई विल रियली अप्रिशिएट द इंडियन नेवी और दे आर सो करेजफुल टू फॉर द वॉर। आई लव इट टू कम हियर। अब यहाँ पे आए तो आपको कहीं ना कहीं फीलिंग्स हुई कि मैं भी, हाँ एक्चुअली एक इंकरेज करते हैं बच्चे लोग को कि काश मैं भी एक इंडियन नेवी होता। कल 26 और आज 27 नवंबर, इन दो दिनों में हम करीब 4000 बच्चों को अपने शिप्स दिखाएंगे। हमारा टारगेट है अंदाजन तकरीबन 4000 के आसपास बच्चे हमारे पास आएंगे। कल की तारीख में करीब 15 स्कूलों के बच्चे हमारे पास आए थे, 1500-2000 बच्चे कल आए हैं और करीब उतने ही बच्चे आज भी ये दोनों शिप्स देखकर जाएंगे, INS चेन्नई और INS तरकश। तो उनको क्या बताया जाए, यहाँ पे आने के बाद इजिप्शियन हालांकि क्या कुछ उनको बताया जाए, क्या कुछ जानकारी दी जा रही है बच्चों को? देखिए हमारा मानना है कि आज के बच्चे कल के नौसैनिक हैं, इन्हीं, हाँ वही हमारा, यही हमारे भविष्य हैं। तो हम चाहते हैं कि जब वो यहाँ पर आएँ, नौसेना के बारे में जानें, हमारे शिप्स के बारे में जानें, शिप पर लाइफ कैसी होती है उसके बारे में जानें। तो जब वो आते हैं हम उनको अपने जहाज़ के बारे में समझाते हैं कि जहाज़ क्या होता है, वॉरशिप क्या होता है, हमारे वेपन्स सेंसर्स किस किस्म के होते हैं, हमारी लाइफ एट सी कैसे होती है, और हम उनको अपने थोड़े बहुत इक्विपमेंट जो हम दिखा सकते हैं उनको डेमोंस्ट्रेट करते हैं, हमारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स जो स्मॉल आर्म्स। तो और कल भी मैंने देखा और आज भी सुबह से बच्चे आ रहे हैं, बच्चे बहुत ही जोश के साथ आ रहे हैं, हमसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब इंटरेस्ट दिखाते हुए सवाल पूछ रहे हैं। एंड मेरा ये मानना है कि बच्चे बहुत ही मोटिवेट होकर यहाँ शिप से निकल रहे हैं।